यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि के बारे में, कृषि फसलें और उद्यानिकी के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन सी कृषि है, कौन कौन सी फसलें हैं और कौन कौन से उद्यान। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान बजट जो 19-20 के अनुसार एक कृषक कल्याण कोष यानी K3 कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है, तो कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है वो 1,000 करोड़ से गठन किया गया है। राजस्थान बजट 19-20 में की गई घोषणा के अनुसार जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ है, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो प्रारंभ हुआ है बांसवाड़ा में भी हुआ है जो कि साउथ राजस्थान में पड़ता है, टोंक में भी हुआ है और सिरोही में भी हुआ है। किसान सेवा पोर्टल यानी KSC की शुरुआत कब की गई है, किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत है फरवरी 2019 से की गई है। राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रचार प्रसार का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार प्रसार है राजस्थान में कौन कर रहा है, तो यहाँ पर मुरार का फाउंडेशन है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार प्रसार कर रहा है। नेक्स्ट देखें, जैसे पिंक वालमर्स हाल ही में खबरों में था, ये किस फसल के लिए हानिकारक है, जो पिंक वालमर्क है, वालवर्म है, पिंक वालवर्म है, कौन सी फसल को ये नुकसान पहुंचा रहा था, तो ये यहाँ पर कपास को नुकसान पहुंचा रहा था राजस्थान के अंदर। और राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में अनुमानित राज्य के कितने किसानों को लगभग 9,513 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई थी, तो यहाँ पर कितने किसानों को इस चीज का लाभ हुआ था, यहाँ पर 24.44 यानी 24.44 लाख किसानों को यहाँ पर ऋण माफी का फायदा हुआ था। और कितने करोड़ का यहाँ पर फायदा हुआ था, 9,513 करोड़ रुपए का लोगों का ऋण माफ हुआ था। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वर्ष 2018-19 में केंद्रीय प्रवर्तित योजना यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल योजना प्रारंभ की गई, और यह योजना किस फसल हेतु लागू की गई है, तो इस योजना का नाम देखें, कौन सी फसल के लिए लागू की गई है, ज्वार और बाजरा दोनों के लिए लागू की गई है। खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये लागू की गई थी, योजना का नाम क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल योजना। नेक्स्ट देखें, जैसे ई नाम, ई नाम क्या है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत पूरे देश राजस्थान को की किस मंडी से हुई है, तो राजस्थान की मंडी की बात करें तो रामगंज मंडी है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। 24 फरवरी 2019 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना का प्रारंभ किया गया था, ये कहाँ से किया गया है, ये जयपुर से किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान योजना में लघु एवं सीमांत काश्तकार परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है उनको कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, तो उनको यहाँ पर क्या दी जाएगी, 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, 2,000 की 3 किस्तों में ये दी जाएगी। और यह योजना है केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित है और पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में आता है और केंद्र सरकार की तरफ से ये पैसा आता है। नेक्स्ट हम बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से बनाया गया लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, ये लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको 16 फरवरी 2019 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल। और यहाँ पर क्या किया गया था, ऑनलाइन तहसील 17 फरवरी 2019 को ऑफलाइन तहसील यानी कि पायलट आधार पर इसकी शुरुआत की गई थी, आम जन यानी कि पायलट पर इसकी शुरुआत की गई थी 16 फरवरी 2019 को ऑनलाइन तहसीलों के लिए और 17 फरवरी 2019 को ऑफलाइन तहसीलों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सा पोर्टल था, लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी गवार मंडी कहाँ पर है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी गवार मंडी है वो जोधपुर में है। देश की पहली और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो खजूर पौध प्रयोगशाला की बात करें तो देश की सबसे बड़ी है यहाँ पर वो है चोपासनी, जोधपुर के अंदर खजूर प्रयोगशाला देश के अंदर स्थापित की गई है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में मददगार एवं कम तापमान में उगने वाले किस मशरूम को देश में 3 स्थान महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान मैसूर और हिमालय जैविका संपदा संस्थान पालमपुर में उगाया जाएगा, तो यहाँ पर किसकी मदद से यानी कि किस देश
मशरूम को देश के 3 स्थानों पर उगाया जाएगा यहाँ पर, तो वो कौन सी मशरूम है जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में मददगार भी होती है? तो यहाँ पर जापानी मशरूम है जिसको हम बोलते हैं सीता के, उनको 3 जगह उगाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के अंदर और मैसूर के अंदर उगाया जाएगा केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान के अंदर, और यहाँ पर उदयपुर के अंदर भी उगाया जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? तो यहाँ पर इंडो डच जल निकासी परियोजना है किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? ये चलाई गई है नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है। 1966-67 में MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में कौन सी क्रांति का प्रारंभ हुआ? तो MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में किसका प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था जो सिर्फ कृषि से जुड़ी जानकारी देता था? वो यहाँ पर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था जो सिर्फ कृषि से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता था, कृषि के बारे में ही हमें बताता था, वो सबसे पहले भीलवाड़ा में लगाया गया था। राजस्थान में जिन खतरनाक रसायनों से फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई है, किन रसायनों को से यहाँ पर फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई है? वह एथेनॉल कार्बाइड से फलों को कोई भी नहीं पकाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि ये जहरीला होता है, एथेनॉल कार्बाइड। राजस्थान की सांगरी का सबसे बड़ा खरीददार देश कौन सा है, यानी राजस्थान की सांगरी कौन सा देश सबसे ज्यादा खरीदता है? तो यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में किसी अज्ञात बीमारी के कारण खेजड़ी के पेड़ों पर सांगरी के गुच्छे यहाँ पर गायब हो चुके हैं और उन जगह यहाँ पर गिरडू लग रहे हैं जो एक प्रकार की क्या है, गांठे हैं। तो राजस्थान में सांगरी का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है उसकी बात करें, तो यहाँ पर हम बात करें क्या है, जर्मनी है जो राजस्थान की सांगरी यहाँ पर खरीदता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे सांगरी की हमने बात कर ली है, अब बात करें राजस्थान में जीरा, इसबगोल, अरंडी आदि व्यावसायिक फसलें किस खंड में होती हैं? तो ये जो व्यावसायिक फसलें हैं जैसे कि जीरा है, इसबगोल है, ये सब भी ट्रिपल आईसी जो है यहाँ पर इस खंड में होती है, यानी तीसरे खंड में होती है। कौन सी? जीरा है, इसबगोल है, अरंडी है, ट्रिपल आईसी में होती है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्रीगंगानगर में कब किया गया था और जिसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में कार्यरत है? तो इसके उपकेंद्र की बात करें, इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में कार्यरत है और इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1967 में इसका प्रारंभ किया गया था। नवीनतम कौन सा कृषि जलवायु खंड बनाया गया है? तो नवीनतम यहाँ पर जो बनवाया बनाया गया है, नवीनतम कौन सा कृषि जलवायु खंड बनाया गया है, ये है आईसी, नवीनतम कृषि जलवायु खंड बनाया गया है। मूंगफली उत्पादन के कारण किस स्थान को राजस्थान का राजकोट कहते हैं? तो मूंगफली उत्पादन के कारण यहाँ पर बात करें लूण करण सर बीकानेर के अंदर है जिसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवर स्थान पर है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? ये यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया जाता है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। बांसवाड़ा के किस गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित है? तो बांसवाड़ा का कौन सा गांव है जिसमें कृषि अनुसंधान केंद्र संचालित है? वो है वोरवे, वोरवर है जिसमें बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के किस गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र ये संचालित है, तो वोरवर है वो। राजस्थान में मक्का की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है? तो मक्का की खेती की बात करें तो 9.49 लाख हेक्टेयर में राजस्थान में मक्का की खेती होती है। केंद्र सरकार के द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना वे मिलेट डायरेक्टर को क्रमशः पूना व चेन्नई से कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो यहाँ पर जो सुधार परियोजना है मिलेट डायरेक्टर डायरेक्टरेट को कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? जोधपुर और जयपुर में शिफ्ट किया गया है, यानी पूना और चेन्नई से इसको जोधपुर और जयपुर में शिफ्ट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना है। राजस्थान में अफीम उत्पादक प्रमुख जिलों का युग्म क्या है? अफीम कहाँ कहाँ पर राजस्थान में होती है?
तो अफीम उत्पादन की बात करें तो जोधपुर, बारा और झालावाड़ा, यहाँ पर राजस्थान में क्या होती है अफीम, राजस्थान में अफीम उत्पादक कौन से जिले हैं, चित्तौड़गढ़, बारा और झालावाड़ा है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति की बात करें, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से यहाँ पर गोल क्रांति का संबंध बताया जाता है। नेक्स्ट हम देखें राज्य में कृषि में वानिकी का विकास कहाँ सर्वाधिक हुआ है, तो कृषि में वानिकी का जो विकास है, राज्य में कृषि में वानिकी का विकास कहाँ सर्वाधिक हुआ है, तो ये सर्वाधिक हुआ है हाड़ौती के अंदर। राजस्थान में बेर का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं, तो राजस्थान में बेर का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं, ये हैं पहला तो अलवर, भरतपुर में बेर उत्पादन होता है, धौलपुर, जयपुर में भी बेर उत्पादन होता है, और जोधपुर और श्रीगंगानगर में भी बेर का उत्पादन होता है, तो ये सभी हैं। राजस्थान में आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो राजस्थान में आम के प्रमुख उत्पादक जिले क्या है, यहाँ पर ये हैं बांसवाड़ा और भीलवाड़ा है आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, चित्तौड़गढ़ और दौसा है ये आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, और धौलपुर और उदयपुर है ये भी आम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ पर हम बात करें जैसे कि राज्य का पहला एग्रो ट्रेड टावर कहाँ बनेगा, तो राज्य का पहला एग्रो ट्रेड टावर है वो कहाँ बनेगा, श्रीगंगानगर के अंदर। कृषि डिग्गियों के निर्माण में किस जिले का प्रथम स्थान है, तो कृषि डिग्गियों के निर्माण में यहाँ पर श्रीगंगानगर का क्या है, पहला स्थान है। अश्वगंधा कहाँ पर मिलता है, अश्वगंधा की बात करें, अश्वगंधा मिलता है हमें नागौर में। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित हैं, तो 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव हैं, कौन सा कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हैं, तो अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित हैं वो 2002 से 2003 की बात है। राजस्थान में आंवले का उत्पादन करने वाले जिले हैं, तो आंवले का उत्पादन राजस्थान में कौन कौन से जिले करते हैं, राजस्थान में आंवले का उत्पादन यहाँ पर अजमेर, चित्तौड़गढ़ और दौसा, जयपुर और नागौर करते हैं। जैसे राजस्थान में बात करें हम चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम जिले की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से प्रदर्शित की गई है, तो हम मानचित्र के किस क्रम में ऐसे पहचान कर उत्तर दे सकते हैं। स्थितियों की बात करें हमें तो जिलों की स्थिति की बात करें, जैसे ये वाला जिला है ये कौन सा है, ये हम बात करें तो ये हमारा कहलाएगा हनुमानगढ़, तो ये हमारा हनुमानगढ़ रहेगा। दूसरे नंबर की बात करें हम, दूसरा नंबर पर क्या हो सकता है, ये वाला जो जिला है वो क्या होगा, तीसरे नंबर पर ये सौर बीकानेर होगा, तो पहले पर हनुमानगढ़ और तीसरे नंबर पर बीकानेर, तो हनुमानगढ़ और बीकानेर फोर्थ ऑप्शन में, तो ये आंसर हमारा होगा, यानी आंसर तो फोर्थ होगा। ये हम देखते हैं ये झालावाड़ा वाला एरिया आ जाएगा या बारा वाला एरिया आ जाएगा, तो बारा हो जाएगा ये फोर्थ नंबर पर, बारा, और ये सेकंड नंबर पर है ये क्या है, जोधपुर, जैसे जैसलमेर यहाँ है, जोधपुर यहाँ पर है। फिर हम देखते हैं आंवला मंडी, आंवला मंडी की बात करें, आंवला मंडी कहाँ पर है और किस तरीके से काम करती है, तो आंवला मंडी है यहाँ पर, आंवला मंडी है चौमू जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी की बात करें, टमाटर मंडी कहाँ पर है, टमाटर मंडी है यहाँ पर बस्सी के अंदर, आंवला मंडी चौमू जयपुर के अंदर है और टमाटर मंडी बस्सी जयपुर के अंदर, टमाटर मंडी है बस्सी जयपुर के अंदर है। टिंडा मंडी की बात करें, टिंडा मंडी कहाँ पर है, तो टिंडा मंडी यहाँ पर है किसके अंदर, शाहपुरा के अंदर है टिंडा मंडी शाहपुरा में। और अश्वगंधा मंडी कहाँ पर है, अश्वगंधा मंडी की बात करें तो अश्वगंधा मंडी है यहाँ पर झालरा पाटन में, अश्वगंधा मंडी है। नेक्स्ट हम देखें जैसे जैसे राजस्थान में मुख्यतः खजूर का उत्पादन कहाँ होता है, तो जैसे राजस्थान में यहाँ पर कृषि में वानिकी का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है वो हमने देखा हाड़ौती में, और राजस्थान में मुख्यतः खजूर का उत्पादन कहाँ होता है, तो खजूर के उत्पादन की अगर हम बात करें, राजस्थान में खजूर का उत्पादन कहाँ होता है, बीकानेर जैसलमेर में खजूर का उत्पादन होता है। मौसमी व किन्नू के उत्पादन में प्रमुख जिले क्या है, तो मौसमी व किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में होता है। यहाँ पर फसल के बारे में बात करें और
की मिट्टी के बारे में बात करें, फसल और मिट्टी में अगर हम बढ़ाएं तो पहला तो बाजरा, बाजरा के लिए बलुई मिट्टी चाहिए होती है, बंजर मरुस्थलीय या फिर अर्धकांपीय मिट्टी में भी बाजरा हो जाता है। दूसरा है गेहूं, गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी चाहिए, महीन काप मिट्टी या फिर चीका प्रधान मिट्टी चाहिए। मिट्टी का पीएच का मान है 5 से 7.5 के मध्य में यहाँ पर होना चाहिए। मक्का के लिए नाइट्रोजन व जीवाश्म युक्त मिट्टी चाहिए, दोमट मिट्टी ज्यादा उपयुक्त यहाँ पर मानी जाएगी। फिर बात करते हैं ज्वार के लिए, तो ज्वार में यहाँ पर दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, गहरी और मध्यम काली मिट्टी होनी चाहिए। चना के लिए हल्की बलुई मिट्टी होनी चाहिए और चावल के लिए कापी या दोमट या चिकनी मिट्टी होती है। और धान की खेती के लिए जो पीएच का मान है वो 4 से 6 होना चाहिए, जबकि धान की खेती के लिए 4 से 6 होना चाहिए और मक्का के लिए यहाँ पर गेहूं के लिए है 5 से 7.5 होना चाहिए। खेत में निरर्थक घास को उखाड़ना कहलाता है, तो निरर्थक घास को जब उखाड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, लूरबो, तो लूरबा कहते हैं उसको, जब हम निरर्थक खाद को या निरर्थक जो भी उगा हुआ है उसको उखाड़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि नीति को कब मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने पहली कृषि नीति को 26 जून 2013 को मंजूरी दी थी। राजस्थान राज्य बीज भंडारण निगम की स्थापना कब की गई? तो बीज भंडारण की निगम की स्थापना यहाँ पर 30 दिसंबर 1957 को यहाँ पर राजस्थान में कर देते हैं। सेम की समस्या किस जलवायु खंड में विकराल में, यानी किस जलवायु खंड में विकराल रूप से उपस्थित है सेम की समस्या? तो सेम की समस्या है यहाँ पर फर्स्ट भी जो जलवायु खंड है उसमें सबसे ज्यादा है। कोटा बूंदी झालावाड़ा जिला कौन से जलवायु खंड में आता है? कोटा बूंदी झालावाड़ा जिला है वो आता है यहाँ पर सेकंड जलवायु खंड में। कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करें हम यहाँ पर, तो सत्य कथन की बात करेंगे तो क्या है, पहला तो राज्य में 52% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और उनके पास कुल कृषि भूमि की मात्र 12.5% भूमि है, यानी कृषि भी है 2 हेक्टेयर से कम है पहली बात तो, और दूसरी जो कृषि है उसमें भी 12.5% से कम है। दूसरी बात है कि राज्य में 8% बड़े किसानों के पास राज्य की कुल कृषि भूमि का 40% भूमि राजस्थान में है। और तीसरी बात करें कि कपास की फसल पर 14 बार से अधिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव यहाँ पर किया जाता है, ये 14 बार से अधिक यहाँ पर कीटनाशक दवाओं छिड़कते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादुलशहर तहसील का मन्नी वाली गांव कैंसर गांव कहलाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो मन्नी वाली गांव है सादुलशहर तहसील का, ये किस जिले में है? गंगानगर तहसील जिले में है ये। राजस्थान में देश के कुल कृषि का क्षेत्र का 11.87% है, इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में 4था स्थान आ जाता है इसमें। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है वो 192 किलोग्राम है, यानी 1 हेक्टेयर में 192 किलोग्राम उत्पादन क्षमता होती है। तो राजस्थान का उत्पादन क्षमता में देश में कौन सा स्थान है? उत्पादन क्षमता में राजस्थान का 7वां स्थान आ जाता है। राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार है वो 4.34 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह औसत आकार कितना है? भारत में ये 1.68 की है जबकि राजस्थान में 4.34 हेक्टेयर है। राजस्थान में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस तिथि को शुरू की गई? तो भ्रमणशील परीक्षण प्रयोगशाला है राजस्थान में कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 4 अगस्त 2010 को ये स्टार्ट की गई थी। कौन सी? भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे किस जलवायु खंड में वर्षा का वार्षिक औसत 600 से 1000 मिमी होता है, यानी मिलीमीटर होता है? तो वो है यहाँ पर 5वां। फसलों को पाले से बचाने वाला उर्वरक क्या है? फसलों को पाले से बचाने वाला उर्वरक है यहाँ पर थायो यूरिया है, जो फसलों को पाले से बचाता है। राजस्थान की पहली किसान कंपनी किस जिले में गठित की गई? तो राजस्थान की पहली किसान कंपनी है किस जिले में गठित की गई? ये वाकानी झालावाड़ा के अंदर इसको गठित किया गया। अर्कट एक जहरीली फफूंद है, किस फसल के लिए यह हानिकारक है अर्कट? तो अर्कट की बात करें ये बाजरा के लिए हानिकारक है अर्कट। राज्य में श्रेष्ठ किस्म है 3765 किस फसल की है? तो श्रेष्ठ किस्म है राज्य में वो है ओनली गेहूं की। राज्य में श्रेष्ठ किस्म 3765 किस फसल की है? गेहूं की। साइलेज चारा किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है? तो साइलेज चारा की बात करें किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है साइलेज चारा? ये मक्का की हरी पत्तियों से बनाया जाता है। स्थानीय भाषा में वल्गर गेहूं चने और जौ के मिश्रण को कहा जाता है? तो
स्थानीय भाषा में जो बल्गिया गेहूं है उसमें चने और जौ के मिश्रण को क्या कहा जाता है? चने और जौ के मिश्रण को यहाँ पर कहा जाता है गोचनी बेझड़। गोचनी बेझड़ कहते हैं हम यहाँ पर चने और जौ के मिश्रण को। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है, तो धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो धान की बात करें यहाँ पर, धान की है जगन्नाथ। तो धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? जगन्नाथ है। धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है? तो धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है? ये लगता है खीरा। अगर धान में जस्ते की कमी हो जाएगी तो खीरा रोग लग जाएगा। धान में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली नवजन खाद कौन सी है? तो सबसे ज्यादा नवजन खाद है जो धान में प्रयोग की जाती है वो कौन सी है? तो वो है हमारा एमोनियम सल्फेट, ये नवजन खाद है। किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो जल भराव की आवश्यकता होती है वो कौन सी फसल है? वो धान है जिसको उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। चावल के पौधे के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है? तो चावल के पौधे के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी है? तो उत्तरदायी जीन की बात करें तो ये DGU जीन है जो कि चावल के पौधे के लिए उत्तरदायी जीन है। चावल के पौधों के लिए उत्तरदायी जीन है। नेक्स्ट हम देखें धान की खेती में कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है? तो धान की खेती में बात करें CH4 मेथेन है जो कि सबसे ज्यादा धान की खेती में निकलती है। सरसों की फसल का मुख्य रोग क्या है? तो सरसों की फसल का मुख्य रोग क्या है? सफेद रोली रोग है जो सरसों की फसल का मुख्य रोग है। सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? सरसों के प्रदेश की बात करें यहाँ पर तो सरसों का प्रदेश कहा जाता है राजस्थान को। सरसों का प्रदेश कहा जाता है। खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक है, तो खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक भूभाग पर जो फसल बोई जाती है वो है मोठ। खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक भूभाग पर ये बोई जाती है। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है यहाँ पर? वो भी यहाँ पर सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल भी मोठ ही है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन की बात करें यहाँ पर ग्लिसरीन है जो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की बात करें यहाँ पर तो ये है सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम महोवा को किस देश से लाया गया था? महोवा जो जोजोवा है इसको राजस्थान में किस देश से लाया गया था? वो है इजराइल। इजराइल से यहाँ पर महोवा या जोजोवा को लाया गया था। नेक्स्ट हम देखें संकर कपास के जनक हैं। संकर कपास के जनक कौन थे? संकर कपास के जनक थे सीटी पटेल, ये संकर कपास के जनक हैं। गन्ने को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने को पकाने के लिए हम ग्लाइफोसेट जो रसायन है उसको प्रयोग करते हैं गन्ने को पकाने के लिए। तिलहन कृषि जलवायु खंड में बाजरा, ग्वार, दलहन और तिलहन आदि फसलें होती हैं, तो वो किस काम आती हैं? सेकंड आईए के काम आती हैं। खुम्बी, छत्रक और कुकुरमुत्ता किस फसल के उपनाम है? खुम्बी, छत्रक और कुकुरमुत्ता है यहाँ पर कौन सी फसल के नाम आते हैं? ये आते हैं मशरूम जो फसल होती है उसके नाम है खुम्बी, छत्रक और कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट टाइम देखें जैसे डिलाइट ऑफ डायबिटिक किस फसल को कहते हैं? डिलाइट ऑफ डायबिटिक है, डिलाइट ऑफ डायबिटिक कौन सी फसल को कहते हैं? यहाँ पर मशरूम को कहते हैं डिलाइट ऑफ डायबिटिक। ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? तो ब्लैक ग्राम की बात करें ब्लैक ग्राम उड़द को कहते हैं। गरीब का घी की संज्ञा दी गई है, गरीब का घी की संज्ञा किसे दी गई है? तिल के तेल, इसको गरीब के घी की संज्ञा दी गई है। मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है, मोटे अनाजों का राजा यानी मोटा अनाजों का राजा किसे कहते हैं? वो ज्वार को हम कहते हैं मोटा अनाजों का राजा। मोटे अनाजों की रानी किसको कहते हैं? रानी की बात करें यहाँ पर तो मक्का है जिसको रानी कहा जाता है। गरीब मनुष्य का भोजन कहलाता है, गरीब मनुष्य का भोजन क्या कहलाता है? बाजरा, जो कि गरीब मनुष्य का भोजन कहलाता है। खाद्यान्न प्रसंस्करण किस क्रांति से संबंधित है? तो खाद्यान्न प्रसंस्करण की बात करें ये भूरी क्रांति से संबंधित है खाद्यान्न प्रसंस्करण। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है
वो कहाँ पर है? वो अजमेर में है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान। खरीफ की दालों के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो खरीफ की दालों के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा है। राजस्थान में प्रथम पुष्प मंडी विकसित की जा रही है, तो प्रथम पुष्प मंडी यहाँ पर राजस्थान में कहाँ की जा रही है? पुष्कर में। यहाँ पर प्रथम पुष्प मंडी राजस्थान में विकसित की जा रही है। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो अम्लीय भूमि बनने के लिए यहाँ पर अधिक वर्षा है जिसकी वजह से अम्लीय भूमि बनती है। जेट्रोफा या रतन जोत के पौधे से कौन सा जैविक उत्पाद प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा है या रतन जोत से कौन सा उत्पाद मिलता है हमें? बायोडीजल हमें मिलता है यहाँ पर, रतन जोत या जेट्रोफा होता है उससे। राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो हरी खाद के रूप की बात करें हम यहाँ पर, तो हरी खाद के रूप में कौन सी फसल को उगाते हैं? तो ये है ढेंचा, सनई या लोबिया। ढेंचा को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है।